वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेयर इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मे बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग सेवरल ऑल्टरनेटिव्स इन ऑर्डर टू अकम्पलिश अ डिजायर्ड रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू जी आर टेरी, डिसीजन मेकिंग इज द सिलेक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया फ्रॉम टू अल्टरनेटिव। सो डिसीजन मेकिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम एक टू दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव, जब हमारे पास होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वी हैव टू चूज द वन बेस्ट अल्टरनेटिव विच सूट्स टू आर प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट इज अ फर्स्ट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इट इज बेस्ड अपॉन रैशनल थिंकिंग। रैशनल थिंकिंग मीन्स यू हैव टू जज द वेरियस प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव अवेलेबल। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सम प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड कोई इशू को सॉल्व करने के लिए ही हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। इट एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लानिंग एंड इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। इट इज अप्लाइड एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन एन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, मैन मटेरियल मशीनरी, उनको ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से यूज कर सकती है विद प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। आप किसी नई चैलेंजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बिजनेस के ग्रोथ के साथ रिलेटेड पॉलिसीज को डिसाइड कर सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव टाइम पे अचीव कर सकते हो। इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट फैसिलिटेट मोटिवेशन। इंप्लॉयज मोटिवेट होते हैं अगर आप उन्हें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो। यू कैन इनोवेट समथिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस विच यू कैन डिलीवर टू द कस्टमर। नेक्स्ट, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज ऑल्सो एंड इट इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग द बिजनेस एफिशियंटली। नेक्स्ट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसीजंस। फर्स्ट इज प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजंस वो होते हैं जो अगर हमने एक बार वो डिसाइड कर लिया, देन दीज विल कैरी फॉरवर्ड टू द ऑल द कमिंग ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, जो भी रूल्स, जो भी प्रोसीजर्स एक बार बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो रूल्स सेम ही फॉलो किए जाते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन वो होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर किसी अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं, वो पहले से प्री प्लान या प्री डिसाइडेड डिसीजंस नहीं होते। नेक्स्ट इज मेजर एंड माइनर डिसीजन। कंपनी के मेजर गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेटेड जो डिसीजंस है, दैट आर मेजर डिसीजंस। माइनर डिसीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक डिसीजन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ स्टेशनरी इज अ टाइप ऑफ माइनर डिसीजन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज पॉलिसी एंड ऑपरेटिव डिसीजन। पॉलिसी डिसीजंस वो होते हैं विच आर टू बी कैरी फॉरवर्ड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिसी हमने बना ली ऑर्गेनाइजेशन में कि हर एक एम्प्लॉय को विद पे पर मंथ टू हॉलीडेज टू लीव्स वो ले सकता है, ये टू लीव्स अलाउड हैं, तो दिस इज द पॉलिसी विच इज टू बी फॉलोड एवरी टाइम। नेक्स्ट इज ऑपरेटिव डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑपरेशन। कि बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो डिसीजन ले लिए जाते हैं, that are operative decisions. Organizational and personal decisions. किसी organization में, किसी company के base पे अगर आप कोई decision ले रहे हो, that is organizational decision. Personal decision जो employees अपनी personal growth के लिए कोई decision लेते हैं, that is personal decision. Individual, एक individual अगर कोई चीज decide करता है, then it is individual decision. अगर group of persons या team members इकट्ठे बैठ के कोई किसी matter पे discussion करते हैं और decide करते हैं, then that is a group decision. लॉन्ग टर्म एंड डिपार्टमेंटल डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन आर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हम ठीक है जो हम फॉलो करेंगे, जिनके ऊपर काम करेंगे, दैट आर लॉन्ग टर्म डिसीजन। डिपार्टमेंटल डिसीजन वेरी अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। जो उनको जिस टाइम पे जो ठीक लगता है, वैसे डिसीजन वो लेते हैं। क्राइसिस एंड रिसर्च डिसीजन। क्राइसिस डिसीजन बेसिकली कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई हम डिसीजन लेते हैं, दैट इज क्राइसिस डिसीजन। रिसर्च डिसीजन होता है कि अगर फ्यूचर में आपको कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट में, या फ्यूचर में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप गेन करना चाहते हो, उस रिगार्डिंग हम रिसर्च करते हैं और डिसीजन लेते हैं, दैट आर रिसर्च डिसीजन। नेक्स्ट, द सेम पॉइंट विल कवर अंडर प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी डिसीजन।
Next is process of decision making. Under the process of decision making, first step is you have to define the problem. What is the problem regarding which we have to take the decisions. Next is collection of data. जो भी उस problem के साथ related information, जो भी data आपके पास available है, वो सारा collect किया जाएगा. Next is formulating a model. फिर आप एक मॉडल डिजाइन करोगे जिसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट, जो जो भी उस डिसीजन, जिन चीजों का इम्पैक्ट है आपके डिसीजन एरिया में, तो वो चीजों के रिगार्डिंग आप एक मॉडल डिफाइन करोगे. देन यू हैव टू इवेलुएट द ऑल द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल. हर एक अल्टरनेटिव के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स देखे जाएंगे, कॉस्ट इन्वॉल्व देखी जाएगी. देन यू हैव टू फाइनली सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सूट टू योर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अदर कंस्ट्रेंट्स. नेक्स्ट लास्ट वन इज टू टेक द फॉलो अप एक्शन. फिर टाइम टू टाइम आप चेकिंग करोगे वेदर दैट डिसीजन इज फ्रूटफुल फॉर यू, वेदर इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और नॉट. नेक्स्ट इज अबाउट द अप्रोचेस इन डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट इज लॉजिकल सिस्टम अप्रोच. दिस अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड रैशनल अप्रोच, इन विच द मैनेजर डिसाइड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम थ्रू अ लॉजिक बेस्ड डायरेक्टेड रिसर्च. इसमें बेसिकली हम रिसर्च प्रोसेस फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट इज कंटिजेंसी अप्रोच. अंडर दिस अप्रोच अ प्रोग्राम्ड डिसीजन इज यूज टू हैंडल वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और रूटीन प्रॉब्लम्स, एंड अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन इज यूज टू हैंडल अ यूनिक प्रॉब्लम. सो कंटिजेंसी अप्रोच में बेसिकली जो रूटीन की प्रॉब्लम है उनके लिए एक पहले से ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल प्लान्ड सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, वो सॉल्यूशंस फॉलो किए जाते हैं. नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस वहां पे फॉलो किए जाते हैं जो कि यूनिक नेचर की प्रॉब्लम्स होती हैं. नेक्स्ट इज मैथमेटिकल अप्रोच. जब भी हम किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, एक लॉन्ग टाइम पीरियड प्रोजेक्ट है, लेट सपोज कोई ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, या कोई बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग का है प्रोजेक्ट, तो उसमें टू फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, दैट इज टाइम इन्वॉल्व एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, कि दोनों को हम मिनिमाइज कैसे करें. उसके लिए जो टेक्निक्स यूज होती हैं दैट आर पर्ट एंड सीपीएम, एंड बोथ ऑफ दीज आर मैथमेटिकल टेक्निक्स विच आर यूज फॉर टेकिंग डिसीजन इन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव अप्रोच. अंडर क्वालिटेटिव अप्रोच वी टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द क्वालिटी एस्पेक्ट्स, रिगार्डिंग द डिलीवरी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एस्पेक्ट. सो इन दिस वी यूज द टेक्निक्स सच एज क्वालिटी इंप्रूवमेंट थ्योरी, जस्ट इन टाइम थ्योरी एटसेट्रा. नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग कंडीशंस. देयर आर थ्री बेसिक कंडीशंस अंडर व्हिच अ पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्टिकुलर मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन. फर्स्ट इज डिसीजन मेकिंग under certainty. Under this, the manager is able to state exactly the nature, which state of nature will exist, and then takes decision accordingly. So certainty के condition में ऐसा है environment जिसमें manager को पता है कि अगर हम कोई सी project में पैसा लगा रहे हैं तो हमें 10% या 20% profit मिलेगा ही मिलेगा. That is the condition of certainty. उसको जो possible outcome है वो उसको पता है और उसे उस हिसाब से वो decision ले रहा है. Decision making under risk. Under this condition, the manager is assured of the probabilities of outcome for a particular decision. So, इसमें basically उसको result पता है, ठीक है, either profit होगा या loss होगा एक particular investment में, लेकिन वो probabilities लेके चलता है कि 60% possibility है कि profit और 40% possibility है कि loss हो जाए. So, this is a type of decision making under risky environment, under risk. Next is decision making under uncertainty. अंडर दिस कंडीशन द स्टेट ऑफ आउटकम इज, जब मैनेजर को किसी भी आउटकम का पता ही नहीं है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस है भी या नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि इट इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी. नेक्स्ट इज अबाउट द टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. फर्स्ट इज मार्जिनल एनालिसिस. दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा आउटपुट विल बी जनरेटेड बाई इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वन वेरिएबल इनपुट. There are two types of factors of production. First is fixed factors of production and second is variable factor. Fixed factors of production are like fixed cost. For example, अगर आप किसी बिल्डिंग में प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको जो रेंट पे करना है दैट इज फिक्स्ड, चाहे आप एक यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, रेंट का अमाउंट जो है वो फिक्स्ड रहेगा, वो है फिक्स्ड कॉस्ट. लेकिन आपको लेबर को अगर आप पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हो तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से लेबर का एक्सपेंस बढ़ता रहेगा. सो लेबर इज वेरिएबल फैक्टर. सो इस टेक्निक में हम ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं
उसको ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें हमारी आउटपुट में क्या इंक्रीज आएगा। सो दिस एनालिसिस इज कॉल्ड एज मार्जिन एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस, दिस डिसीजन टेक्निक इज यूज टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो कितना प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं ये कर सकते हैं, ये हमें पता चलेगा फाइनेंशियल एनालिसिस से। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। दिस मेथड इज यूज टू एवेल्युएट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज बेसिकली दैट पॉइंट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग नो प्रॉफिट और नो लॉस। इट मीन्स योर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। सो आपको पता चल जाएगा कि कितने बेसिक यूनिट्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो पूरी कवर हो जाए। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। अंडर दिस टेक्निक द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज एनालाइज इन ऑर्डर टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रेशियो एनालिसिस में बेसिकली दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है, वेदर जिसमें एक सेट पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द सेट पैरामीटर वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ऑपरेशंस रिसर्च अंडर दिस टेक्निक वेरियस दिस टेक्निक्स आर यूज्ड टू फॉर टू टेक डिसीजंस अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज की प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट की जाती है ऑपरेशन रिसर्च की थ्रू। फॉर एग्जाम्पल गेम थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हो, सिमुलेशन अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशन। नॉर्मल ग्रुप टेक्निक अंडर दिस मेथड डिसीजन इज टेकन बाय डिस्कसिंग द मैटर बिटवीन ग्रुप ऑफ पर्सन। इट इज टाइप ऑफ नॉर्मल डिस्कशन मेथड वेयर यू हैव टू डिसाइड अ पर्टिकुलर थिंग बाय हैविंग अ प्रॉपर डिस्कशन अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट इज नाउ व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज रिजिडिटी ऑफ डिसीजन मेकर। अगर जो डिसीजन मेकर है वो रिजिड है, वो अपना डिसीजन किसी भी तरीके से चेंज नहीं करता, देन इट वुड बी डिफिकल्ट टू टेक द करेक्ट डिसीजन। चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, अगर आप ग्रुप में डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है ग्रुप में के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं। लैक ऑफ कोऑपरेशन, ग्रुप मेंबर्स आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे तो भी आप इजीली डिसाइड नहीं कर पाओगे। फेलियर टू इम्प्लीमेंट प्रॉपरली, कई बार डिसीजंस लिए जाते हैं लेकिन वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते, विच इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव पॉइंट फॉर अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, अगर डिसीजन आपका प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया गया इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन। इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रानियस फैक्टर्स। एक्सट्रानियस फैक्टर्स आर दोज विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपने डिसीजन ले लिया लेकिन आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो ऐसे हैं वो डिसीजन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं है तो भी डिसीजन मेकिंग का फायदा नहीं होगा। नॉन एक्सेप्टेड बाय सबॉर्डिनेट्स। अगर आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपका डिसीजन को एक्सेप्ट ही नहीं करते इन दैट केस ऑल्सो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। फर्स्ट इज यू हैव टू डिफाइन द गोल्स, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मेकिंग द डिसीजन। फिर यू हैव टू एंश्योर दैट द डिसीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू द गोल्स। इन्वॉल्व सबॉर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यू शुड एंश्योर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन। देन लास्ट इज यू हैव टू इवेल्युएट द रिजल्ट एंड डिसीजन शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। So this was the whole topic for today. Next time we will meet with a new topic. Thank you.